आप लोग का स्वागत है जूफी एस किचन में, वेलकम है। और मैं आप लोग को ये कुछ कड़े मसाले बता रही हूँ जो कि रमज़ान की रगड़े में, दही बड़े में काम आएंगे। ये बता रही हूँ कि ये लाल मिर्ची है सूखी और तेज़पत्ते हैं, ज़ीरा, अखा धनिया, काली मिर्चें और कलौंजी, और इसके अंदर जो है थोड़ी सी सौंफ है, अजवाइन है और काला नमक है। ये काला नमक और अजवाइन जो है कब्जियत को दूर करता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग बनाकर इसको रखो और आपके रगड़े में और दही बड़े में आप ये डाल सकते हैं। और इसको अभी हम ड्राई रोस्ट करके इसको दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सर के जार में डाल के, और इसको आप इस्तेमाल करना। ये जो है तो ये मसाला है गोश के अचार का। तो इसमें थोड़ा सी राई है, ज़ीरा है और अखा धनिया और ये लहसुन है। इसको हम तवे पे थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये जो गोश्त का अचार जो बनता है ना, बहुत मज़े का बनता है। और इसके अंदर मैंने ये 3 नींबू का रस भी निकाल के रख ली हूँ जो कि मैं अब गोश्त के अचार में इस्तेमाल करूँगी, और मैं बता भी दूँगी कैसे इस्तेमाल करना है। और ये मतलब 8 से 10 दिन तक अचार अच्छा रहता है। और इसको अपन रोटी के साथ है, दाल चावल के साथ ऐसे, और जो खिचड़ी बनाते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। और ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग भी ट्राई करना और इसको बनाकर इसका भी टेस्ट लेना। और मैंने आप लोग को गोश्त की अचार की जो रेसिपी बताई, ये जो गोश्त के अचार के लिए जो जो सामान की ज़रूरत थी मैंने आप लोग को बता दी है। और ये आप बनाइए और खाइए भी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो है ज़ीरा है तो इसको मैंने भून ली हूँ थोड़ा सा, इसको रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ती है तो इसको पीस के रखने के लिए। और ये कसूरी मेथी भी मैंने ड्राई रोस्ट कर ली है, ये भी चने के चाट में और जैसा कि कढ़ी में, बहुत सारी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोरमे में वगैरह में। आप लोग भी बनाते रहिए और खाते रहिए, इंशाल्लाह सब अच्छी बनेगी। और ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ। और ये रमज़ान की तैयारी है, सब कोई, हर कोई अपने अपने घरों में रमज़ान की तैयारी करते हैं ज़ोर शोर से, और रमज़ान आने का बहुत इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो एक महीना ही हमारे पास मेहमान है। एक सच बात बता रही हूँ जो कि सच बहुत कड़वा होता है और इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सच्चाई पे चलने वाला हर इंसान बुरा ही लगता है। लेकिन मैं इस पे से एक शेर सुनाऊंगी। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं जो ज़बान के सच्चे और दिल के सच्चे होते हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अभी मसाले तो हो गए हैं अपने, अभी मैं आप लोग को एक रेसिपी बता रही हूँ गोश्त के अचार बनाने की, और कोकम वाले बटाटे आलू को, कोकम वाले आलू बनाने की। तो और मेरी जो बहू है हमेशा वही बोलती है, लेकिन आज वो शूट कर रही है और मैं बोल रही हूँ। ये जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, फॉलो क्या शेयर करें, लाइक करें। और वो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं किचन की तरफ और बताते हैं आलू बनाने को। ये भून रही हूँ हल्का हल्का, इसमें जो है तो राई है, ज़ीरा है और थोड़ा सी अखा धनिया है। इसको रोस्ट कर लूँगी फिर इसके बाद मैं बताऊँगी। लहसुन भी भूनना है, वो भी बता दूँगी मैं। और ये गोश्त जो है हमारा 1.5 किलो है, तो मैं सिर्फ 1.5 किलो का ही अचार बना रही हूँ। और आप चाहे तो 1 किलो में बनाओ, आधा किलो में, लेकिन इसका जो जो सामान है उसको डबल कर देना। ये जो मैं ली हूँ ये इसके बराबर के लिए है, और जो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये मसाला भी उसको बढ़ा देना, डबल कर देना। ये भून गया है, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, बस थोड़ा हल्का हल्का भूनना है। ये लहसुन भी हम इसमें डाल के भून लेंगे। ये
लहसुन 50 ग्राम जितना है 1/4 किलो गोश्त में, और गोश्त में मैं जो है तो अदरक और गरम मसाला नमक डालकर उसको अच्छी तरह कुकर में गला ली हूँ, क्योंकि वो आपको बता ही नहीं मैं कैसा कुकर में डाली, लेकिन मैंने उसको गला के रखी हूँ। खाली अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाली हूँ, नमक और गरम मसाला, हल्का गरम मसाला, और इसको लहसुन को अच्छे से ये डॉट आने तक के तवे पे भूनना है, इसका कच्चापन थोड़ा खत्म हो जाए बस। और मैं अचार कैसा बनता है वो भी बता दूंगी। और आप लोग की कैसी चल रही है रमजान की तैयारी? और कल तो शबे बारात है, और शबे बारात में कौन कौन क्या क्या करते हैं जरा हमको भी कमेंट करके बताना। कल बड़ी रात है, कल असर के बाद से ही जो है तो जो जिसको नहीं मालूम है मैं उसको बता रही हूँ, और जिसको मालूम है तो वो तो जानते ही होंगे। और जो है तो कपड़ा, अब ये जो है अचार का मसाला हो गया है, अब ये जो रमजान में बनने वाली जो भी चीजें हैं उसके लिए मसाले तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अब जीरा भून रही हूँ, और इसको भी थोड़ा सी भूनना है, ज्यादा नहीं। इसको मैं भी निकाल लूंगी, फिर मैं बताऊंगी क्या क्या डालकर भूनते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं पहले भी बताई कि ये जो है तो रगड़े में और गराई इसमें दही बड़े में ये सब डालना पड़ता है, तो इसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़ा हल्का भून रही हूँ अभी इसमें। जब मैं बताऊंगी वो पीसने का टाइम, तो हल्का दरा दरा पीसते हैं, इसको भून रही हूँ मैं भी। ये कलौंजी और काली मिरी है, अब हम डालेंगे ये सौंफ और ये अजवाइन है, और ये काला नमक है, ये इसके हिसाब से इसकी निकाली हूँ मैं, और इसको भी हल्का ही भून लेंगे। धनिया भी भून रही हूँ, इसको भी जरा ज्यादा नहीं थोड़ा ही भूनना है। और जो कल शबे बारात है तो कल अपने नामे आमाल अल्लाह ताला खोलेंगे, और इसमें पता चलेगा कि किस इस कल से ही पता चलेगा कि ये साल में किसकी जिंदगी है और किसकी मौत है। अब दुआ करो सब लोग जो मगरिब के बाद नमाज पढ़ते हैं, तो वो दो रकात जो रहती है वो दराज़े उम्र के लिए रहती है, और दो रकात इज्जत में बरकत होने की, और दो रकात दफ़े बला की। ये 6 रकात नमाज आप ज़रूर पढ़ना बाद मगरिब के, और असर बाद जो है तो 40 मरतबा अल्लाहु अल्लाह कुव्वत आसमान की तरफ देख के ज़रूर पढ़ना। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं कल ना मगरिब बाद की, उम्र कज़ा नमाज पढ़ने का, ये जो बोलते हैं ना कि 2 रकात में 50 मरतबा कुल पढ़ो, 30 मरतबा कुल पढ़ो, तो ये सब नहीं है। हमारी नमाजें तो कुल मुकम्मल हुई नहीं है, तो हमारी जो नमाजें छूट गई है वो उम्र कज़ा की नमाज, कल बड़ी रात है शबे बारात की, उस रात में जो भी एक दिन की 20 रकात होती है नमाज उम्र कज़ा की, आप लोग ये पढ़ो हो सके तो। सलात तस्बी की नमाज पढ़ो, सलात तौबा की नमाज पढ़ो। ये गोश्त के अचार का मसाला भून ली हूँ, अब इसको मैं दर दरा सा मिक्सर में घुमा लूंगी, जरा फिरा लूंगी, और इसमें जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी, पीसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सी आधा चम्मच जो है हल्दी है, और थोड़ा सी नमक, जरूर अपने को जितना नमक लगता है जायके के मुताबिक, इतना नमक, नमक का कोई हिसाब नहीं है, अपने को जितना लगे उतना। देखिए चम्मच से जो है, ये चम्मच से मैंने इसमें 3 चम्मच तेल डाल दी हूँ, जो कि मैं गोश्त का अचार बना रही हूँ। और ये कुछ ड्राई मसाले हैं मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये नींबू का
जूस भी इसी में डाल दूंगी और ये अचार का जो मसाला पीसे थे ना वो, ये सब साथ में ही डालना है, सिर्फ इसको अभी भूनना है बस। ये जो एक साइड पे मैंने खिचड़ी बना रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, और मैं इसको भून कर बताऊंगी कैसा बनता है। और कौन कौन गोश्त का अचार खाना पसंद करते हैं ज़रा मुझे भी कमेंट्स करके बताइए। ये 8 से 10 दिन तक अच्छा रहता है, आप लोग किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, दाल चावल से, चपाती से, खिचड़ी से। अब देखो मेरी बहू तो खिचड़ी से खाएंगी अचार ये, क्योंकि खिचड़ी भी पक रही है बाजू में। थोड़ा इसको, ये जो नींबू का जूस डाले ना अपन, ये वो सूखने तक इसको खाली पकने देंगे ताकि सारे मसाले पके गए हैं इसमें, और गोश्त भी माशाल्लाह गला हुआ है। और देखो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आ रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा। और आप भी इसे बनाओ और खाओ, क्योंकि मैं आप लोग तक तो पहुँचा नहीं सकती। घर में बनाओ और मुझे भी ऐसा बताओ, जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि हम लोग ने आपकी आंटी आपकी रेसिपी फॉलो किए हैं, कैसा कैसा टेस्ट है इसका बताना मुझे भी। थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा, अभी ये अचार का लुक देखो कितना मस्त है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये अचार तो मेरे बच्चे अभी 1 घंटे में ख़त्म करेंगे खा के। इसमें तेल ज़रा ज़्यादा पड़ता है, तेल की ज़्यादा तेल डालने से ये जो गोश्त की बोटी है ना ये डूबना चाहिए तेल में, इसको बगैर तेल के थोड़ा तेल रखेंगे ना तो ये अचार खराब, इसका टेस्ट खराब दिखता है, तो इसको तेल बहुत लगता है। अभी ये अचार तो फाइनल हो गया है, इसका लुक भी मैं बता दी हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ कोकम के आलू, और मैं बताऊँगी कैसे बना। ये आलू के कोकम आलू बना रहे हैं तो इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी, और ये जो है ये दरदरा कुटी हुई मिर्ची है, दरदरा कुटा हुआ धनिया है, और पीसी हुई मिर्ची है, जीरा है, हल्दी और नमक हसबे जायका नमक, और ये जो है इमली और कोकम का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दी, कड़ी पत्ता, इमली और लहसुन का पेस्ट। अभी मैं इसको बघार में डाल रही हूँ, ये थोड़ा हल्का भून जाएगा ना तो ये मसाले डालने लगे। अब ये सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे, इसको ज़रा अच्छी तरह भून लेंगे। और ये जो एक बटाटा बहुत मेल्ट हो गया था तो मैंने इसको मसाले के हिसाब में डाल दिया, तो भून लेंगे अच्छे से, इसकी खुशबू आने तक भूनेंगे इसको।
अभी ये जो बटाटे हैं उबाल कर और काट के रख दिए थे ये इसमें डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है और इसका कलर भी अच्छा प्यारा है और देखने में इतना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके खाने का तो कोई वो ही नहीं है, अनमोल बन गया ये। ठीक, इसको थोड़ा सी और पकने देंगे बस। इसका नाम हम लोग रखते हैं अनमोल आलू। खाने के बाद आप भी बताना कि अनमोल है कि नहीं है। ठीक है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये गोश्त का अचार जो है रेडी हो गया है और मैं इसको आप खा कर बताऊंगी इसका टेस्ट कर। कोकम आलू जो मैं बनाई इसका नाम मैंने रखी अनमोल आलू। तो ये भी मैं खाकर आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा।